ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों सभी का स्वागत है सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगस्त 2023 का महीना कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए अगस्त के महीने में बेहद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। तो कौन सी राशि के जातक हैं जिनके अगस्त माह में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं कि किन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहद ही अशुभ रहने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों इन राशियों के जातकों को अगस्त के माह में सावधान रहने की जरूरत है, सोच समझ कर अपने कार्यों को करना। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीने में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। किसी भी सदस्य के साथ में वाद विवाद होने की आशंका है और जीवन साथी के साथ में आपका तनाव बढ़ सकता है, तो वृषभ राशि के जातक अगस्त के महीने में थोड़ा संभल कर रहें। कर्क राशि, आपके कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, कार्य प्रदर्शन में कुछ गिरावट भी देखने को मिलेगी, आर्थिक तौर पर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो आप जो भी कार्य करें अपना कार्य क्षेत्र है वहां शांत रहकर अपने कार्यों को करें। सिंह राशि, आपको कई कार्यों में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके कैरियर में भी कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आर्थिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, बस अगस्त के महीने में आप थोड़ा सोच समझ कर और संभल कर चलें। तुला राशि, आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव महसूस होगा, आपके सेहत में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, बिजनेस के लिए आपका समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आप भी संभल कर अवश्य रहें। कुंभ राशि, शिक्षा के लिहाज से जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, पारिवारिक जीवन में आपके सामने वाद विवाद होने के खतरे रहेंगे, कोई भी फैसला जब आप लें तो बहुत सोच समझकर ही लें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी वो राशियां जिनके जातकों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो आप अगस्त के माह में थोड़ा सोच समझकर चलें, अपने जीवन में शांत रहें, किसी से भी वाद विवाद करने से बचें। आपके लिए सभी कार्यों में ईश्वर का साथ जरूरी होगा। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।